हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 22 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं कौन कौन सी हैं। आज तो उस तबीयत खराब थी जिससे लेक्चर हो काफ़ी लेट हो गए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एन अकेडमी पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हो तो आप अगर रेफर कोड यूज़ करोगे देवेंद्र सिंह 27, तो आपको इससे 10% डिस्काउंट है वो मिलेगा किसी भी प्रोग्राम में। और अगर आपको किसी भी इन प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अब देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है वो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PWMVY? देखो, गवर्नमेंट थी उसकी ये स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यह जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ हिस्सा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कंडीशन, नॉर्मल स्टेट है उस कंडीशन में ये होगा कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट है वो देंगे। अब अगर बात ये कि स्पेशल स्टेट, हिली कैटेगरी वाले स्टेट, आप जैसे बोल सकते हो कि जो हिली एरिया वाले स्टेट है नॉर्मली, खैर जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश हुआ, उधर हिमाचल प्रदेश वगैरह, इन स्टेट में कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करते हैं। और जबकि यूनियन टेरेटरीज हैं उनमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारा का सारा 100% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये होता है नॉर्मली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मोटो। अब बात ऐसी है कि अभी न्यूज़ क्यों आई है इसको लेकर, वो एक बार वो देखते हैं। न्यूज़ अभी इसलिए आई है क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो लाभार्थी हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिला है और लगभग 1 करोड़ बेनिफिशियरी या 1 करोड़ लाभार्थी हैं जिसको इस स्कीम का लाभ हुआ है। और इस स्कीम के तहत अभी तक 4,000 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जा सकते हैं या लाभार्थियों को लाभ है वो पहुंचाया गया है। ये है बेसिकली न्यूज़। और ये स्कीम कौन कौन से स्टेट में मेनली ज़्यादा फोकस की गई थी वो हम देखते हैं। ये स्कीम मेनली जम्मू एंड सॉरी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली और राजस्थान, इन्हीं स्टेट में ज़्यादा फोकस क्यों था? देखो, इन्हीं स्टेट में इस स्कीम को लागू करने का सबसे बड़ा मोटो ये था कि यहाँ पे जो मातृत्व मृत्यु दर थी वो, और इसी के साथ चाइल्ड मृत्यु दर थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मतलब लोगों बच्चों की डेथ हो रही थी और माताओं की डेथ हो रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा थी MMR और CHR, इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए इस स्कीम पर ज़्यादा फोकस है वो किया गया था। अब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या। देखो, 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान स्कीम लॉन्च की गई थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। उसी स्कीम को बाद में 2014 में नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें कुछ खैर चेंजेस भी किए गए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, कैश ट्रांसफर स्कीम है। इसमें मतलब कैश है वो दिया जाता है किन किन को, प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टिंग वुमेन, लैक्टिंग वुमेन मतलब जो कि दूध पान यानी कि स्तनपान करवाती हैं, उन महिलाओं को इसमें लाभार्थी या उनको कैश ट्रांसफर किया जाता है। अब क्या है, देखो हमारे देश में जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर का आप जैसे ये मान लो कि प्रॉपर कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है या वहाँ पर यूनिफॉर्म में सैलरी वगैरह प्रोवाइड करवा जाती है, उनकी बात की जा रही है। तो देखो, ऐसे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो क्या है कि जो काफ़ी सारे लीव वगैरह और मेटरनल बेनिफिट मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी एरिया हैं कि हम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा होता है उस कंडीशन में अगर वो जॉब पर नहीं जा रही है तो उसको पैसे वगैरह दिहाड़ी कुछ नहीं मिलती है। तो उन महिलाओं के लिए पार्शली वेज कंपनसेशन स्कीम के तौर पर इसको लॉन्च है वो किया गया था कि भाई उनको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा दिया जा सके। इसमें होता क्या है कि एक महिला को 5,000 रुपये हैं वो दिए जाते हैं। अब उन 5,000 रुपये का क्राइटेरिया क्या है, ये जो 5,000 रुपये हैं ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। पहली कंडीशन तब होती है जब प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाया जाता है सरकारी अस्पताल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरी किस्त मिलती है तब जब बच्चे की बर्थ है वो हो जाती है। और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो तब मिलती है जब बच्चे का जो पहला साइकिल हो जाता है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, उस दौरान। तो इन 3 किस्तों में 5,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट के लिए दिया जाता है। इसी के साथ ही अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को जन्म देती है तो उसको जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। तो कुल मिला के टोटल 6,000 रुपये का बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलता है। अब देखो क्या है कि कई जो आप मैगजीन वगैरह देखोगे वहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 6,000 रुपये दिए जाते हैं और कई जगह लिखा रहेगा कि 5,000। तो देखो, बेसिकली जो लॉजिक है वो यही है कि गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तो केवल 5,000 रुपये देती है, बाकी जो 1,000 रुपये मिलते हैं वो मिलते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत। तो इसीलिए वो एक महिला को एवरेज 6,000 रुपये मिल जाते हैं। तो कई जगह आपको मिले कॉन्सेप्ट, तो आप इसको ध्यान में रखना कि क्या यह लॉजिक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम के बारे में।
देखो, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे देश में जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज चल रही हैं इनको यूज़ करते हुए एजुकेशन सेक्टर में एक नई स्कीम है वो लाई गई है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम। अब आप थोड़ा नाम से देखो आप समझने की कोशिश कीजिए, एजुकेशनल अलायंस मतलब कि कोई ना कोई ग्रुप बनाया जा रहा है और उस ग्रुप के तहत यहाँ पर टीचिंग को एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इसमें होगा क्या, गवर्नमेंट खुद एक प्लेटफॉर्म बनाएगी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है वो एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी और इस प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि भी आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेके हुए वो यहाँ पे लेके आइए। जिस तरीके से मार्केट में जैसे कि अनअकेडमी है, ऐसे काफ़ी सारे मतलब एक वेबसाइट पे आपको बहुत तरह तरह के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग सेक्टर, PMT, IIT, BTech वगैरह हर फील्ड से। तो जो भी पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा वो एक बार हम देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्लेटफॉर्म बनाएगी। अब प्लेटफॉर्म बना दिया और जो डिफरेंट जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनीज या हम बोल सकते हैं कि नए जो एजुकेशनल वाले स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा कि भी आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के कोर्सेज या नए सॉल्यूशंस लेके आइए और फिर उनके लिए मार्केट में लोगों को या स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि भी आप इनको सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, जो भी आपको रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह करेंगे या जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनका 25% है वो बेसिकली टोकन की फॉर्म में गवर्नमेंट को देना होगा। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने ये पोर्टल बना दिया, इस पोर्टल में डिफरेंट सारी कंपनीज हैं और उनके टोटल 1000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अब 1000 हो गए तो इसका 25% कितना हुआ, 250। तो होगा क्या कि ये कंपनी है वो 250 एक तरीके से आप टोकन बोल सकते हो वो गवर्नमेंट को दे देंगी, या आप बोल सकते हो कि 250 जो अकाउंट्स हैं ऑनलाइन जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो गवर्नमेंट को दे देंगी। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, ये जो कूपन या जो आपको बताया कि सीटें हैं ये बेसिकली जिन ज़रूरतमंद लोगों को या जो सोशली बैकवर्ड हैं या फिर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको दे देगी फ्री में, ताकि वो लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकें। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। आपको फिर बता दूं कि जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे टोटल यहाँ पे उनका 25% गवर्नमेंट ये बोलेगी इन कंपनियों को कि भैया 25% हमें कूपन के तौर पे दीजिए रजिस्ट्रेशन का, ताकि हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कूपन दे सकें और वो फ्री में एक्सेस है वो कर सकें। ये इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। HRD मिनिस्ट्री का यह सॉरी इनिशिएटिव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक बात यह है कि जितने भी वो कोर्सेज की फ़ीस वगैरह रखेंगे वो उन स्टार्टअप्स या जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो फ़ीस कितनी रखें। हो सकता है वो 1000 भी रख लें किसी प्रोग्राम की, किसी की 2000, वो उनके ऊपर रखा गया है। मतलब गवर्नमेंट इस पर कोई प्रॉब्लम या रेगुलेशन यहाँ पर नहीं लेके आ रही है, तो इससे जिन भी लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत होगी वो यहाँ पर एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है खांडेरी के बारे में, देखो खांडेरी है ये आप ध्यान में रखना कि हमारी एक स्कॉर्पियन या सबमरीन है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। तो देखो इसमें दो चार छोटे छोटे फैक्ट बन जाते हैं। पहली बात तो है कि जो खांडेरी क्लास की सबमरीन है वो बनाई गई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ये है कहाँ पे, ये बेसिकली मुंबई में है। यानी शिपिंग वगैरह के जो जहाज़ वगैरह हैं या फिर जो आप बोल सकते हो कि सबमरीन वगैरह हैं वो इस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, मुंबई बेस्ड है। अब बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने 2005 में फ्रांस के साथ कॉन्टैक्ट किया था 3.75 बिलियन डॉलर का कि भाई आप हमारे लिए पनडुब्बी है वो बनाइए। तो इसी प्रोग्राम के तहत फ्रांस है वो इंडिया में पनडुब्बी है या आप बोल सकते हो सबमरीन है वो बना रहा था। तो अलग अलग सबमरीन है जैसे कि खांडेरी है सबसे पहले, इसके बाद में करंज है, इसके बाद में वेला है, व्यागर है, इसके बाद में यहाँ पे आगे बात आएगी तो वह आएगी वगैसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह सबमरीन है। UPSC पूछ सकती है कि यह कोई मतलब एक तरीके से शिप है, वेसल वगैरह है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इंडिया ये प्रोग्राम है वो फ्रांस की हेल्प से कंप्लीट है वो कर रहा है। अब देखो जो खांडेरी नाम इसका रखा गया है वो इस बेसिस पे रखा गया है कि इंडियन ओशियन में एक शार्क की तरह काफ़ी खतरनाक मछली होती है जिसका नाम था खांडेरी, उसी की तर्ज पे, क्योंकि वो काफ़ी मछलियों का या काफ़ी बड़ी शिकारी है इंडियन ओशियन में, तो उसी की तर्ज पे इसका नाम है वो यहाँ पे रखा गया है। और ये ध्यान रखना खांडेरी जो सबमरीन थी वो इंडिया में सबसे पहली बार कमीशन की गई थी 1968 में, बट उस टाइम पे जब इंडिया में कमीशन या उस टाइम पे इंडिया में इसे यूज़ किया गया था तो ये इंडिया द्वारा नहीं बनाई गई थी, ये बाहर से इंडिया ने इंपोर्ट की थी। और उसके बाद जो सबसे पहली सबमरीन थी खांडेरी उसको 1989 में डिसकमीशन कर दिया गया, और उसके बाद अब जो इंडिया बना रहा है वो स्वदेशी हैं, बाकी हेल्प किस लिए की जा रही है, फ्रांस की। तो ये आप ध्यान में रखना कि खांडेरी एक पनडुब्बी है यानी कि सबमरीन है।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है डिजिटल पेमेंट अभियान के बारे में। देखो डिजिटल पेमेंट अभियान है वो बेसिकली नैसकॉम का एक पार्ट है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वो, इसी के साथ ही मिट्टी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है वो, और इसी के साथ ही गूगल इंडिया, इन तीनों का एक कैंपेन है अवेयरनेस को लेके ऑल ओवर इंडिया में। किसके लिए आई है? इसका मोटो ये है कि हमारे देश में जो भी डिजिटल पेमेंट्स है ना इनको प्रमोट किया जा सके, यानी कि कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, लोगों को एजुकेटेड करने के लिए। अब देखो होता क्या है कि लोग डिजिटल पेमेंट को यूज़ करने में कतराते हैं, कैशलेस होने में उनको डर रहता है कि यार हमारा पैसा वो सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है किस तरीके से पेमेंट जो गेटवे हैं जैसे पेटीएम वगैरह है इनको यूज़ करना होता है, ओटीपी वगैरह शेयर करना नहीं होता, क्या क्या उसकी बात कंडीशंस होती हैं, क्या क्या हमें बातों को फुलफ़िल करना है। तो इसीलिए उन लोगों को अवेयर करवाने के लिए, मतलब जिन लोगों को पता नहीं है कैशलेस पेमेंट किस तरीके से करते हैं, कैसे इसका यूज़ करना है, किस तरीके से इसको सिक्योर कर सकते हैं, ऑनलाइन जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो हुई, इसी के साथ ही और जो साइबर सिक्योरिटी होगी पेमेंट से रिलेटेड, इन सारी बातों को अवेयर करवाने के लिए जनता के लिए रीजनल लैंग्वेज के आधार पर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को आराम से समझाया जा सके। क्योंकि देखो जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि हर एरिया में कहीं पे हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, इसका मतलब क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और वो इसका सही फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए हर रीजनल लैंग्वेज में इसको प्रमोट है वो किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड है नैसकॉम। देखो काफ़ी बार आपने सुना होगा नैसकॉम के बारे में। नैसकॉम की फुल फॉर्म है वैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये बेसिकली एक ट्रेड एसोसिएशन है जो कि हमारे देश में हम बात करें एक तरीके से आईटी कंपनी है वो, इसी के साथ ही बीपीओ कंपनीज, बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज, तो उन कंपनियों का एक ग्रुप है। आप बोल सकते हो कि इनमें काफ़ी सारी आईटी कंपनियाज और बीपीओ कंपनियाज हैं मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप का नाम है नैसकॉम। तो एक तरीके से यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1988 में बनाया गया था और इसमें लगभग हमारे देश में 10,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है वो जुड़ी हुई हैं 2013 तक के डाटा के मुताबिक। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है तत्पर एप्लीकेशन के बारे में। देखो तत्पर एप्लीकेशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है जो कि दिल्ली पुलिस के लिए और आम जनता की सेफ्टी के लिए है। इसमें 24/7 ऑनलाइन कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो दर्ज करवाई जा सकती हैं और जो आम जनता है उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।